उसके बाद से जब से मेरी दिवाली बनी है बहुत बेस्ट बेस्ट बनी है। इस बार बहुत बेकार बनी क्योंकि नानी की इस साली डेथ हुई थी हमारी 6 मार्च को 2023 में। तो माता जाती पार्वती पिता महादेव एक संत दयावंत सार बुझादारी। घर आ गए थे, दिन का खाना खाए, 4:06 सो गाइस अभी ऑफिस नहीं है। हे देव, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज मी अभिषेक जायसवाल और आप देख रहे हैं अभिषेक जायसवाल ब्लॉग। होप करता हूँ आप अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। सो के उठ चुका था, मम्मी को भी स्कूल छोड़ा, अब जा रहा हूँ अर्ची को कॉलेज छोड़ने, फिर घर आऊँगा और अपना फ्रेश एंड अप होकर रेडी वेडी होकर फिर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, 2 जगह, फिर वहाँ से ऑफिस और परसों है दिवाली। तो दिखाते क्या क्या होता है, मेरे साथ बने रहे इसी मजेदार ब्लॉग में और कीप शेयर माय ब्लॉग प्लीज गाइस, है ना। तो अभी आपसे आके मिलते हैं वहाँ से, बाकी बने रहे मेरे साथ इसी मजेदार ब्लॉग में, ठीक है। आके मिलते हैं, थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह करते हैं। तो गाइस रेडी हो चुके हैं, यार हेलमेट लगा के आधा रेडी भी हूँ, बस ये ऊपर से हुड डाल ली, ठीक है टी शर्ट डाल लिया। मौसम बहुत ठंडा है, बारिश भी हो रही थी, बूंदाबांदी पड़ी थी। तो एक पार्टी के पास जाना, फिर जा रहे हैं और एक निकलना बोला, यार बड़ी दिक्कत है। तो मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में, पहुँचते हैं और अपना दिखा दें क्या कर रहा बनेगा मेरे साथ इसी मज़ेदार ब्लॉग में। मिलते हैं अपना ऑफिस पहुँच के बैठा। सो हेलो गाइस, मैं घर पर आ चुका हूँ और ये रहा साहिल अपना बेलदार। ये आज मिली ऑफिस से कचौड़ी और चटनी, उल्टा बोल दिया, कचौड़ी और चटनी। तूने चटनी को उठा के कचौड़ी बोला, कचौड़ी को मैंने बोला चटनी और कचौड़ी। सुन लिया बाद में, सुन लिया बाद में, हम भी सुन लेंगे। तो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी कैसी है कचौड़ी। ओ माय गॉड, इस बार तो कचौड़ी इतनी प्यारी प्यारी लग रही है क्योंकि फ्लैश जल रही है ना उनकी। ये जी अपनी टाई, चाय देखो, चाय पी लो गाइस, गाइस चाय पी लो, आप भी पियोगे बेटा। अंडे ब्लर आ रही है, चलो गाइस कचौड़ी खा जाए, आपको वो दिखा दें हम क्या है इसका टेस्ट। यार एक बीटी हो गई, ब्लॉग आना था वो प्राइवेट ही रह गया, अपलोड है प्राइवेट ही रह गया, अबे वो शेड्यूल लगाना भूल गया था। मैंने देखा 4 बजे, अब 4 बजे देखा तो मैंने कब कल ही डालेंगे, ठीक है लेगा ऐसा ले, ये नहीं अपने में से निकाल लो, तुझे भी मिली है। चलो कोई नहीं, इसे पी लिया था, फिर आपसे मिलना थोड़ी बहुत देर में, लव यू। सो गाइस खाना आ चुका है, आलू के पराठे भी। सो गाइस खाना आ चुका है, ये आलू के पराठे, टमाटो केचप और ये फ्राइड राइस मम्मी ने बनाया मेड इन होम। और ये आलू के पराठे तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं आज का डिनर। और चल रहा है यहाँ पे बिग बॉस, बिग बॉस देखते हुए खा रहे हैं भाई खाना अपन। इसे देखो अजीब सी, बेचारी खानजादी को करेक्टर लेस बोल दिया इसने यार, मना रहा ये गलत बात है आपकी। तो क्या इस गाना वाना गा लेते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में, बाय बाय। तो हेलो गाइस, घर पे आ चुके थे, अब खाना खाने का टाइम हो रहा है, बहुत चल रहा है अपना खाना भी कर रहा है। आज खाना बना रहा है 94, आज है छोटी दीपावली, तो आप सभी को मेरी ओर से छोटी दीपावली, सबको कल बड़ी दीपावली, और साथ ही क्या कहता हूँ कल खाना, क्या क्या है, कौन सी कढ़ाई पर नहीं रही है, थोड़ा उधर रो ना पापा, छोरे हरियाणा वाले लठ। तो अभी खाना वाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं।
तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ आ चुका हूँ ऑफिस, थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। अभी भी आए, जस्ट ऑफिस आया हूँ मैं। और आज दिवाली, तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली टू ऑल। और अभी पूजा वूजा भी होगी ऑफिस में, थोड़ा भी भरा हुआ है। मतलब कल सफाई पड़ी हुई थी, तो आज थोड़ा सा ये खाली वाली करके पूजा करते हैं, फिर आपसे मतलब सर्वर सब आएंगे। तो हैप्पी दिवाली आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, ये दिवाली बेस्ट विशेस आप सबके लिए। और मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर में, बने रहें इसी तरह मेरे साथ इसी ब्लॉग में। सो गाइस अभी ऑफिस में ही है, और अभी पूजा वूजा स्टार्ट होने वाली है। फूल वगैरह लग गए थे, समझेंगे ये फूल वूल माला लग चुकी है। यहाँ गेट पे भी अभी लगाई थी, एक गिर गई। ले 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 सेल्फी। शुभ दीपावली का गाइस, पूजा डन हो चुकी है और अपन साहिल भी यही है, हम भी यही है। बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ी बहुत देर में सर गए हैं दूसरा ऑफिस पूजा करने। हमारे यहाँ की ऑटो भी, हम भी निकल रहे हैं बस। सो गाइस, घर आ गए थे, दिन का खाना खा रहे हैं। 4:06 मटर पनीर और पूरी भाई ले गए। फिर चलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर। फाइनली घर पे आ चुके थे, और अब शाम के बज रहे हैं 7:04। 8 का मुहूर्त बता रहे हैं मतलब दिवाली पूजा का, तो सब रेडी वेडी हो रहे हैं। भाई मैंने आके लड़ी वगैरह लगाई थी, और गली में हो गई लड़ाई बहुत कैड़ी, एक बाइक खड़ी करने के चक्कर में अपने गेट के आगे। तो फालतू की लड़ाई थी, वो दिवाली का धमाका हो गया बस और कुछ नहीं। और अभी रेडी वेडी होते, मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर में। और सो हे गाइस, वेलकम बैक। रेडी हो चुके हैं अपन, और दिवाली वाइज हैप्पी दिवाली टू ऑल। और यहाँ पे पूजा की सारी सामग्री हो चुकी है हमारी, सब रेडी ऑल सेट। अब जरा सा फटाफट ये पूजा होती है, गली में वाइफ थोड़ी लड़ाई वाली हो गई, बट इट्स ओके। तो फाइन विद इट होती है। और चलते हैं अपन, दिखा देंगे बने रहे मेरे साथ इसी ब्लॉग में। अब पहले दिए माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक संत दयावंत चार भुजाधारी, माथे का की सवारी, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे सेवा। जय गणेश। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो के अभी जस्ट उठा यार, कल ये होट कट गया था यहाँ पे। किस चीज़ से, उस सामान से काम कर रहा था, एकदम से चाचा का बेटा था, वो एकदम चिल्ला ओ करके मेरा हाथ ही लग गया, वो कट गया ब्लेड से, यहीं पे कट गया यार, बड़ा दर्द हो रहा, बट इट्स ओके। और गाइस दिवाली बहुत, मैं दिवाली क्या यार, इस बार की दिवाली जो कहते हैं ना, जब से मैं होश में हूँ मतलब अपनी लाइफ में, कि मतलब 8-9 का बच्चा क्या याद रखता होगा, उसके बाद से जब से मेरी दिवाली बनी है बहुत बेस्ट बनी है। इस बार बहुत बेकार बनी, क्योंकि नानी की इस साली डेथ हुई थी हमारी 6 को 2023 में, तो उस वजह से मामा नहीं आए, जोगे मामा, रवि मामा, बड़े वाले मामा और शैलेंद्र मामा आए थे, और मौसा जी आए थे, ना साहिल आया ना शैलेंद्र मामा के बच्चे आए, वो थोड़े लेट वेट हो गए थे, वो सब भी नहीं आया। मतलब एक वाइब नहीं आई दिवाली वाली, कि पूरा परिवार जैसे हमारे घर आते थे, फिर हम लोग जाते थे वहीं सेलिब्रेट करते थे,
ब्लॉग पे तो मेरा पहला साल ही था, बट वैसे हम यही करते थे, अगर कोई बम लाता था बम फोड़ते थे। दो तीन साल से तो बम भी नहीं फोड़ रहे, बट क्या हो रहा है ना, सब चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं, सब परेशानी हो रखी है, और वो लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। तो इस बार की सबसे बेकार गई दिवाली, और नानी को बहुत ज़्यादा मिस करा हम लोगों ने, कि अब नानी होती तो क्या होता क्या नहीं, बट सब बेकार हो रखा है। तो जैसे भी मैं दिवाली सेलिब्रेशन ख़त्म, तो मैं बस यही बताने आया था कि गाइस मैं कल दो तीन जगह गया, अपने दोस्त के घर गया, निखिल और सचिन भाई के यहाँ, एक भाई हमारे दोस्त हैं मेरे, मतलब एक बैच में मिले थे स्पीकिंग बैच में, तो वहीं से भाई बने थे एक, तो उनके घर भी गया था। वहाँ कुछ शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन ले जाना भूल गया था ना घर पे, तो सब फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं ऐसे चला गया क्योंकि लेट हो रही थी। तो स्टे ट्यून्ड, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।